सड़क मार्ग भोपाल से खंडवा के संत सिंगाजी जाते वक्त कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीहोर जिले के किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीहोर विधायक सुदेश राय, मंडलाध्यक्ष प्रिंस राठौर आदि उपस्थित थे। इसके चलते कृषि मंत्री पटेल द्वारा निम्न बातें कही गई, जिससे किसानों में एक उम्मीद जगी है। उन्होंने अपने बयानों में भी शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। फसल खराब हो रही है, उसकी बीमा कंपनी से हम पूर्ति करा सकेंगे ताकि किसान को घाटा ना उठाना पड़े, कर्ज में ना डूबना पड़े। ये सरकार किसानों की है। शिवराज सिंह जी चौहान किसानों के मसीह हैं और हम किसानों के लिए, किसी ने मांग नहीं की उसके पहले किसान खेत में नहीं गया, उसके पहले कृषि मंत्री खेत में गया किसानों। सरकार गई, अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं। एक एक किसान का सर्वे होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। ये सरकार किसानों की है और हम किसानों के लिए कर रहे हैं। जब मैं राजस्व मंत्री था 2005 में, उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी 50 साल पहले 2003 में, कभी किसानों को 100 रुपए से ऊपर नहीं मिला राहत में। ने बीमा किया कांग्रेस ने 50 साल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने फसल बीमा योजना लाए। और हमने जहाँ 5 करोड़ भी प्रदेश को नहीं मिलता था, वहाँ 5,000 करोड़ से भी अधिक शिवराज जी के नेतृत्व में हमने दिया है। बीमा भी दिया 5,500 करोड़ और आरबीसी 6,000 में दिया। इस बार भी हम किसानों की पूरी क्षतिपूर्ति करेंगे। 18 का बीमा कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे नहीं दिया। 19 का बीमा की किस्त जमा नहीं की, लेकिन शिवराज जी ने आते से ही 2200 करोड़ जमा करके 2100 करोड़ 3,100 करोड़ किसानों के खातों में डाले हैं बीमा का। 19 का बीमा भी 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, मिलना था 6,000 करोड़, लेकिन फिर कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया। जो स्केल ऑफ फाइनेंस 100% था उसको 75% किया, और 75% इसको होने के कारण जहाँ 6,000 करोड़ बीमा मिल जाता है, वहाँ 4,500 करोड़ ही मिलेगा। लेकिन ये 4,500 करोड़ भी हम किसानों को एक ही ये नजरिया आंकलन से इतनी फसल का नुकसान हुआ है, और एक कापी पंचायत में चिपका है, एक कापी पटवारी अपने पास रखे, एक कलेक्टर को दें, ताकि किसानों को कोई भ्रमित ना कर सके। किसान को चिंता नहीं रहे कि मेरा खेत का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, वो बेफिक्र चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि सरकार शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है, किसानों की सरकार है। और इसलिए हम आरबीसी 6-4 का भी सर्वे करा के उनको राहत देंगे। और फसल बीमा की तारीख 31 अगस्त तक कर दी गई है। जो किसान रेगुलर है उनका तो बीमा कट गया, क्योंकि वो केसीसी बनते थे, 2% राशि काट लेते हैं। बाकी जो किसान डिफाल्टर हैं, और मध्य प्रदेश में करीब 70% किसान डिफाल्टर हैं, उनके बैंक में अकाउंट नहीं है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सब जाकर अपने अपने गाँव में, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, कियोस्क सेंटर पर, एमपी ऑनलाइन में, या बैंकों में जाकर, नेशनलाइज बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक, जाकर अपना बीमा करा लें। सीहोर जिले का इसके अलावा फाइनेंस 38,000 है सोयाबीन का, तो उसका